ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। जय श्री राम, वंदे मातरम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज बहुत दिनों के बाद शिक्षा मित्र के दो, एक सुख एक शनिचर, एक सत्यम और एक रविंदर, जिसके कारण पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों का, जो आपके यहाँ शिक्षा मित्र के जो नेता है, उनके द्वारा मुझको गाली सुनना पड़ता है। ना आपका कोई कर्ज तो खाए नहीं है, फिर भी निस्वार्थ भाव आपके साथ जब काम करते हैं, फिर भी मैं देखता हूँ ट्विटर पे आप लोग जो लिखते हो, कुछ दिया है क्या तुम लोगों ने हमको, कुछ ले लिया है क्या तुम्हारा, लेकिन फिर भी लगातार प्रयासरत हैं कि आपके कार्य हों। अभी हमने एक दिन एक वीडियो डाला मजबूरी में कि जो अन्य तमाम विषय को लेकर धरना पे लोग बैठ रहे थे कि आप लोग उनके कहने में ना आए। क्या हुआ उस धरने का, क्या हर्ष हुआ, क्या कोई सांसद, कोई विधायक, कोई मंत्री आया क्या एप्लीकेशन लेने के लिए? हम तो सभी जिलाध्यक्ष की बैठक की है तो प्रदेश अध्यक्ष आए तुम्हारे मंच पे, उसमें कौन गया था? कोई गया? अरे रविंदर सत्यम के माध्यम से जो मुहिम ये चल रही है और तमाम जो लोग हैं जुड़े हुए हैं सभी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, यहाँ तो खाली शिक्षा मित्र की एकलौती बात हो रही है और कोई विषय तो मैं उठाता नहीं हूँ। मेरे पास तो तमाम विषय है, क्यों नहीं मैं उठाता? मैं चाहता हूँ आपकी भला हो, सिर्फ आप ही की बात सरकार तक पहुंचे, सरकार आपके साथ न्याय करे, इसके नाते मेरे पास काम की कमी नहीं। लोग यहाँ तुम्हारे बोलते हैं बाबा को चुनाव लड़ना है, तुम्हारे लड़ने से चुनाव लड़ना है क्या? तुम्हारे लड़ने से हम धार्मिक काम करते हैं क्या? तुम्हारे बल पे क्या हम सनातन धर्म की बात करते हैं क्या? तुम्हारे बल पे हम क्या हिंदुत्व की बात करते हैं क्या? तुम्हारे बल पे हम क्या बीजेपी में काम करते हैं क्या? ये एहसान जताते हो बाबा जी, फिर भी ये दोनों सुख शनिचर को धन्यवाद। एक और उधर शिव सिंह बैठा है, वो भी राक्षस है तुम्हारे यहाँ के, ये लोग लगातार आपके लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, चार बात मैं बोल रहा हूँ फिर भी बैठे हैं। ये बात बोल क्यों रहा हूँ इनको, क्योंकि आपकी टीसी इनके ऊपर निकाल रहा हूँ। जो लोग लिखते हो कि बाबा जी ये कर दिया, बाबा जी वो कर दिया, बाबा तुमने ये नहीं किया, अरे हमको करना है, हम भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भरोसे हैं, मुख्यमंत्री के भरोसे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के भरोसे हैं, माननीय सुनील बंसल जी के भरोसे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के भरोसे हैं, माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी के भरोसे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भरोसे हैं। भाई हमको तो नहीं करना है ना, करना उनको है। हम तो आपकी आवाज बन के निवेदन करते हैं निस्वार्थ भाव की, आपके कार्य हो जल्द हो, उम्मीद करिए ये कार्य आपके होंगे और ये कार्य आचार संहिता से पहले होगा। आचार संहिता में और कुछ पल कुछ वक्त बचा हुआ है, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि अभी तक जिनसे मिला गया है, जिनसे चर्चा की गई है, जिनसे वार्ता किया गया है, आज मजबूरी में दो सुख शनिचर के नाते वीडियो बना रहा हूँ मैं तुम्हारे यहाँ। हमको राजनीति नहीं कर रही है, तुमको हमको खुश नहीं करना है कि रोज तुमको वीडियो करूं, दिन भर में 100-200 तुम्हारे फोन आते हैं, जवाब देते परेशान रहता हूँ, फिर भी हर व्यक्ति को जवाब देता हूँ। तो हमको वीडियो बनाने कोई शौक नहीं था कि तुम्हारे यहाँ अपनी दुकान चलानी है। जो लोग दुकान चला रहे हैं उनको देख लो, शाही और गाजी क्या कर रहे हैं, क्या किया उन्होंने, आपने देखा होगा। लेकिन खैर चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आम शिक्षा मित्र जो हमारे साथ हैं, हम लोग के साथ हैं, उनकी बात करते हैं। बाकी नेता नेतागिरी करते रहेंगे, उनको कितनों लाख कोशिश करोगे वो मानेंगे नहीं अपनी नेतागिरी से। तो आचार संहिता से पहले उम्मीद है हमको, क्योंकि जिन जिन लोगों से वार्ता हुआ है, सफल वार्ता था, क्या त्रुटि है, क्या समस्या है समझ में नहीं आती है, कितना विलंब लग रहा है, और धैर्य बना के रखो, बाकी आप स्वतंत्र हो, उसके बाद जो इच्छा होगा वो करना। लेकिन अभी मेरा निवेदन है कि शांति, लोग किसी न किसी कारणवश अपने आप को परेशानी में महसूस करते हैं तो कुछ न कुछ गलत कार्य उठा लेते हैं, ऐसा ना करके सब लोग धैर्य बना के रखें। और आपके कार्य श्री राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच के माननीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, माननीय प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, उधर शिव भैया बैठे हुए हैं, और भी
सभी जिला अध्यक्ष जो हमारे किसी के कहने में बरगला कर उल्टा सीधा उलझ जुल बातें करते हैं, जो भटक जाते हैं, वो भी उनकी भी इच्छा है आपकी पीड़ा के नाते भटक जाते हैं। उनको भी लगता है कि बाबा डायरेक्ट मुख्यमंत्री के टच में, मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं, बाबा भी नहीं चाह रहे इसके नाते वो भटक जाते हैं, कोई बात नहीं है। उनको भी ढेर सारा आशीर्वाद है और वो भी अपने लोगों को आश्वस्त करके रखें, कोशिश करें सबसे संवाद बना के कि आपके कार्य होंगे। पुनः बहुत बहुत साधुवाद, वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय। अभी ये लोग नहीं आए थे, मैं नहीं जानता ये लोग आते, फिर भी अभी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी आ रहे हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, तो मैं लेकर बैठा था, हमको नहीं पता था कि एक सूक्ष्म शनिचर आपके बाहर बैठे हुए हैं, फिर भी तो हम बिना बताए आपके काम करते हैं, हमसे आप लोग अस्वस्थ रहो। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई रविन्द्र सिंह जी को, सत्यम जी को, शिव भैया को, तो सभी को आभार है। पुनः वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज सभी का कल्याण करें।